युवक की मौत पर हाईवे जाम। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक युवक की सिर में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सबको हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। जैसे ही प्रशासन को जानकारी हुई वैसे ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। आपको बता दें पूरा मामला इटावा जिले के बड़पुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो दिन पहले एक युवक मिर्च बेचने के लिए बाइक से जा रहा था, तभी सड़क किनारे बाइक पड़ी थी। वहीं बाइक के पास युवक भी घायल अवस्था में पड़ा था। युवक के सर में एक गोली लगी थी और युवक के पास तमंचा भी पड़ा था। आनन फानन में युवक को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजन और गांव के लोग एकजुट होकर हाईवे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबको रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही प्रशासन के लोगों को हाईवे जाम होने की सूचना मिली थी, उप जिलाधिकारी समेत क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाने की कोशिश की। इसी दरमियान अधिकारियों के समझाने के बाद परिवार के लोगों ने जाम को खोला। वहीं पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसमें इन लोगों की मांग थी कि एक टीम बनाई जाए, जिसमें उन्होंने कुछ इंस्पेक्टर का नाम बताया था, तो उसके लिए मेरे द्वारा एसएसपी सर से बात कर ली गई है। टीम का गठन कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, अभी तुरंत ही इसको कर दिया गया, और इसके साथ ही इसमें पुलिस पूरी तत्परता से जुटी है। जल्द ही हम इस मामले का खुलासा करेंगे। जो गुस्साए लोग थे वो लगातार इस बात को भूल रहे थे कि तीन दिन से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से हमको जाम लगाने और धरना प्रदर्शन की स्थिति में आने पड़ा। लापरवाही क्यों बरती है? इस तरह की कोई बात नहीं थी, लगातार इसमें एसओजी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बड़पुरा और टीमें लगी हुई थी, और अभी हम जल्द ही इसमें और भी टीम का गठन किए हैं, तो इसके लिए इसमें जल्द ही इसमें खुलासा होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार पुलिस इसमें जुटी हुई है और जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। ये लोग अपने शव को लेकर के अंतिम संस्कार की बजाय यहाँ कहाँ ले जा रहे थे जो पुलिस को बीच में रोकना पड़ा? इसमें इनकी कुछ मांगे थी कि जल्द ही इस घटना का खुलासा हो, इसी के लिए कुछ इनके अंदर क्षोभ था, और अभी हमारे द्वारा इनको समझाया गया, बात उनको उन्होंने समझी है और बॉडी का दाह संस्कार के लिए वो तैयार हो गए हैं, और जल्द ही इसका खुलासा होगा और इनको न्याय मिलेगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन लोग के साथ अवस्था की है। इस मामले में जांच की जाएगी जैसा भी होगा, अभी असल में क्षोभ है पुलिस इनके अंदर और घटना खुल नहीं पा रही थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। बाकी जल्द ही खुलासा होगा और इन्हें न्याय मिलेगा।